हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास नाइन्थ के पॉलीनोमियल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सम्स और डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे सम्स हैं, अगर आपने ये वाले सम कर लिए तो आपको क्वेश्चन करने में इजीली निकल जाएंगे आपके सम, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर सम करने के लिए। तो देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन कैसे करने हैं। आइडेंटिटीज आपने कुछ एक याद रखनी है जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है। फाइंड करना है हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सोल्यूशन देखिए इसका, हमें आइडेंटिटी नॉलेज में होनी बहुत जरूरी है। तो एक आइडेंटिटी है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर हम ये आइडेंटिटी में ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम ए बी सी की जगह पर एक्स वाई जेड को लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस टू सेकेंड ब्रैकेट में साथ में उसके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख देंगे। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये है हमारे पास 10। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 10 की होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमारे पास 40 है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 40। ऐसे प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमने पता करनी है, ठीक है। तो 10 की स्क्वायर कितनी आ गई हमारे पास 100, जो 40 उधर था हमारा वो उधर जाके प्लस का क्या बन गया, माइनस का, ठीक है। बाकी टर्म राइट हैंड साइड पे वैसी बची हुई है, 100 में से 40 का कितना है हमारे पास 60, जो 2 उधर इनटू में पड़ा था 2 इनटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वो किधर जाना था 60 के अपॉन में, 2 और 60 को कटिंग कर दीजिए कितना आया 30। तो ये किसकी वैल्यू आई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आसान क्वेश्चन था, अगर आपको आइडेंटिटी नॉलेजेबल है ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की तो क्वेश्चन बड़ी इजीली निकल जाना था, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मैं इसके कुछ क्वेश्चन की लिस्ट आपको ऐसे लेवल के डिस्क्रिप्शन लिंक में अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 0.87 इनटू 0.87 इनटू 0.87 प्लस 0.13 इनटू 0.13 इनटू 0.13, नीचे है 0.87 इनटू 0.87 माइनस 0.87 इनटू 0.13 प्लस 0.13 इनटू 0.13 इज इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा कितना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया डेसिमल्स में है, तो स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देता है। रियलिटी में क्वेश्चन के बीच में कुछ रखा ही नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपको इनकी आइडेंटिटी पता हो। अब आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर ऊपर देखिए जरा, 0.87 तीन बार है इंटू में, प्लस 0.13 कितनी बार है, तीन बार, तो ऊपर बन गया 0.87 की क्यूब प्लस 0.13 की क्यूब। नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, 0.87 इंटू 0.87 बन गया 0.87 की स्क्वायर बन गया, लिख लिया मैंने यहाँ पर। ऐसे ही 0.87 इंटू 0.13 इसकी वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास, ये रही, मैंने इंटू नहीं किया, मैंने वैसे ही रखा ऐसे ही, प्लस 0.13 इंटू 0.13 जो मेरी वैल्यू है ये दो बार है, तो इसने भी क्या बन गया मेरे पास 0.13 की स्क्वायर बन गया मेरे पास, ठीक है। तो अगर ऊपर देखी जाए, ऊपर तो आइडेंटिटी मिल गई हमारे पास 0.87 की क्यूब प्लस 0.13 की क्यूब, ये बन गया फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए कौन है हमारे लिए 0.87 और बी कौन है 0.13, तो ये वाली आइडेंटिटी ऊपर अप्लाई कर दें। न्यूमरेटर में 0.87 की क्यूब है और 0.13 की होल क्यूब है, इसकी जगह पर ये वाली आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यूब की अप्लाई कर दी और न्यूमरेटर हमारे पास नया कौन सा आ गया ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी लिख दिया मैंने जैसे यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लिया मैंने माइनस ए बी, माइनस का साइन ए इंटू बी, दोनों ए इंटू बी लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं करना है उसको, लिखना है जस्ट आपने, just you have to write, okay? Plus b square, b कौन है? 0.13, 0.13 की square को लिख लिया। नीचे क्या है? नीचे as it is चीज़ थी, उसको छेड़ा ही नहीं था। 0.87 की whole square
माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 की होल स्क्वायर। ये तो डिप्टो कॉपी वैसे ही जो ऊपर ब्रैकेट बनी है और जो नीचे ब्रैकेट बनी है वो तो सेम हो गई है ना। तो ये मैंने येलो लाइन से आपको कट करके दिखाई है, ये दोनों कट हो गए ना, ये भी ब्रैकेट पूरी सेम है, नीचे भी पूरी सेम है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कट हो गई पूरी टर्म्स। क्या बचा, छोटी सी चीज बची है हमारे पास, ये वाली 0.87 प्लस 0.13। तो 0.87 में अगर 0.13 को जोड़ेंगे बेटा क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा ना। तो बस इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी लगाई ऊपर, नीचे उसको डिनोमिनेटर के साथ कटिंग करवा दी। लेकिन एक बात अपने बिल्कुल ध्यान देनी है, स्टूडेंट बेवकूफ़ी करते हैं, वो ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देते हैं 0.87 इंटू 0.13, 0.13 की होल स्क्वायर कर देते हैं। ये ऐसी अगर आप गलतियां करोगे तो वहां पर मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, ठीक है। नाइन्थ क्लास में आइडेंटिटीज बहुत मायने रखती हैं, जहां पर आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होती है, आइडेंटिटी वहां पर आपने अप्लाई करनी ही करनी है। ओके, नोट कर लीजिए इस सम को, इम्पोर्टेंट सम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रूव करना है हमने सम, x की पावर माइनस वन प्लस y की पावर माइनस वन अपॉन में उसके x की पावर माइनस वन, ये वाली टर्म, ठीक है बेटा, प्लस x की पावर माइनस वन प्लस y की पावर माइनस वन अपॉन में y की पावर माइनस वन, ये दूसरी टर्म है, इज इक्वल टू में बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखने में टर्म बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन इसका बहुत ही ईजी लेवल से सॉल्व हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर। लेफ्ट हैंड साइड उठाई आपने, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड डिट्टो कॉपी मैंने ये उतार ली, ठीक है। अच्छा, x की पावर जो माइनस वन है उसको लिखेंगे कितने, कैसे, वन अपॉन x लिख देंगे, क्योंकि पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव बन गई हमारी। ऐसे ही वाई की पावर जो माइनस वन है उसको भी लिख दिया वन अपॉन वाई, और नीचे जो x की पावर माइनस वन है उसको भी मैंने वन अपॉन x लिख लिया। प्लस का साइन वैसे ही रखा मैंने, और सेकंड टर्म में भी जो माइनस वाली पावर थी उसको मैंने अपॉन में लिख के पॉजिटिव बना दिया। उसके बाद जस्ट एलसीएम, एलसीएम कैसे लिया मैंने, राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म की तरफ पूरी ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व की है मैंने, एलसीएम लिया मैंने, ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे एक्स इंटू वाई ऐसे लिखा मैंने, और नीचे ये वन अपॉन एक्स जो था वैसे का वैसे ही लिख लिया मैंने। यानी मैंने एलसीएम लिया किसका, इस छोटी सी टर्म का, ये जो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई है, ये वाला आ गया इसका सॉल्व करके एलसीएम लेके। ओके, प्लस का साइन, सेकंड टर्म वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई, फिर वही किया मैंने एलसीएम लिया, ये वाई इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, अपॉन में एक्स इंटू वाई, एलसीएम ले लिया, ये चीज रही हमारी, नीचे उसके वन अपॉन वाई वैसे ही है। अब हमें सिखाया गया कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन टर्म के नीचे एक अनदर फ्रैक्शन टर्म आ जाए तो क्या होता है, रकम को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही करूँगा, मैं क्या करूँगा, y प्लस एक्स देखिए मैंने, y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई, इसको वैसे ही लिखा, ये लिख लिया मैंने, ठीक है, डिट्टो कॉपी लिखा मैंने। अब उसके नीचे जो डिनोमिनेटर था वन अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा, उसको उल्टाई उल्टा के लिख दूंगा, यहाँ पर मैंने उल्टा के लिख दिया, वन अपॉन एक्स को उल्टा के कैसे लिख देना, एक्स अपॉन वन, रेसिप्रोकल कर देना उसका, कर दिया। ऐसी प्लस का साइन वैसे ही रखा मैंने, यहाँ पर प्लस का साइन वैसे ही है, सेकंड टर्म के बारे में भी मैंने वैसे ही किया, न्यूमरेटर को वैसे ही लिखा, वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई एज इट इज मैंने इसको डिट्टो कॉपी यहाँ पर लिख लिया, और जो वन अपॉन वाई था उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया उसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर तो बेटा कटिंग हो गई ना, मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे अगर टर्म मिलती है तो वो कटिंग हो जाती है, इस एक्स के साथ इस एक्स को मैंने कट कर दिया, येलो लाइन से मैंने कट किया हुआ है, ठीक है, और इस वाई के साथ मैंने इस वाई को कट कर दिया, ये भी येलो लाइन से मैंने कट किया। क्या बचा आपके पास, वाई प्लस एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स, इन दोनों टर्म्स का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना, जो चीजें बची हैं। अब ये वाला जो एक्स होगा इधर पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्स इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो वाई है ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में शो की है आपको, ब्रैकेट्स कीजिए, ओपन कीजिए, एक्स को वाई के साथ किया एक्स वाई, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, प्लस वाई को वाई के साथ किया वाई स्क्वायर, वाई को एक्स के साथ किया एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कट हो गया, येलो लाइन से मैंने उसको कट करके दिखाया है। क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, यही तो हमने प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। सम को ध्यान से नोट कर लीजिए, ऐसे सम आपको जस्ट नोट डाउन करने से नहीं आएंगे,
स्टेटमेंट नोट करने के बाद कॉपी को बंद कर दीजिए, सॉल्यूशन अपने आप कीजिए विदाउट एनी हेल्प। कोई बात नहीं, एक बार गलत हो जाएगा, दो बार गलत हो जाएगा, तीन बार गलत हो जाएगा, लेकिन चौथी बार से अपने आप ही सही होना शुरू हो जाएगा। जब तक कोई भी सम आप अपने आप सॉल्व नहीं करते हो, आपका दिमाग खुद कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकालता है, तब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। हेल्प आपने अपने दिमाग से ही लेनी है, आपने किसी और की हेल्प किसी हेल्प बुक की सहायता नहीं लेनी है। एक बार क्वेश्चन को देख लिया, समझ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छा और इम्पोर्टेंट समझिए, ठीक है।